الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال تبارك وتعالى في موضع آخر قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقال تبارك وتعالى في موضع آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك بإثنين الله ثالثهما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام علماء کرام بزرگان دین محترم بزرگوں دوستو عزیزو اور بھائیو
सफर उल मुजफ्फर का महीना है। इस महीने के आखिर में दो जहां के सरदार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का एक अहम मौजू पिन्हा है और वो है हिजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी माह आपने हिजरत फरमाई और हिजरत की तकमील रबीउल अव्वल में हुई। इसलिए सीरत तय्यबा का ये मजमून जिसका ताल्लुक हुजूर अलैहिस्सलाम की हिजरत से है और उसमें हमारे लिए क्या पैगाम हैं, क्या दर्स हैं, क्या सबक हैं, इंशाअल्लाह तरतीब के साथ उसको अर्ज किया जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा में 40 साल की उम्र आपकी नबूवत की उम्र है। 40 साल की उम्र मुबारक में आपको नबूवत अता की गई। एक कौल के मुताबिक 40 साल 6 माह उम्र थी जब आपको नबूवत मिली और एक कौल के मुताबिक आपकी उम्र शरीफ 40 साल मुकम्मल थी जब आपको नबूवत मिली। अगर रबीउल अव्वल में पहली वही का नुजूल हुआ तो आप पूरे 40 साल के थे और अगर रमजानुल मुबारक में पहली वही का नुजूल हुआ तो नबूवत के वक़्त आपकी उम्र शरीफ 40 साल 6 माह थी। तेरह साल मजीद आप मक्का मुकर्मा में रहे। दीन की दावत देते रहे, तौहीद का पैगाम पहुंचाते रहे, अल्लाह का कुरान पढ़ते रहे, मुशरिकीन मक्का को हक की तरफ बुलाते रहे। लेकिन अक्सरियत लोगों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करती रही, इल्ज़ाम लगाती रही, बदसलूकी करती रही, बुरे अलकाब देती रही, आपके सहाबा पर जुल्म व सितम करती रही, मक्का पे रहकर दीन पे चलना मुश्किल बना दिया। तो आपने अव्वलन सहाबा को हबशा की जानिब हिजरत का हुक्म दिया, इजाजत मरहमत फरमाई। सहाबा की एक तादाद हबशा चली गई थी और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हिजरत का पैगाम दिया और इत्तला दी कि आपके लिए भी हिजरत का हुक्म आने वाला है। आपने भी मक्का छोड़ के जाना है, आपने भी दूसरा शहर बसाना है, आपके सहाबा ने भी मक्का छोड़ के जाना है ताकि दुनिया को पता चल जाए कि दीन अहम है,
अगर एक शहर में वतन में रहकर दीन पे चलना मुमकिन न हो, दीन सीखना मुमकिन न हो या दीन पढ़ना मुमकिन न हो, तो फिर अल्लाह के नबी की सुन्नत है, बल्कि हुजूर पे तो फर्ज कर दिया गया था कि हिजरत करके चले जाए। सहाबा पे हिजरत फर्ज। कहां हिजरत करनी है हुजूर को कोई नहीं पता था, बस अव्वलन बताया गया कि आपने हिजरत करनी है। सही बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उरी तो फिल मनामी, मुझे ख्वाब में दिखाया गया कि मैंने जहां हिजरत करनी है वो अर्ज़ुज़ात नखला, वो खजूरों वाली सरजमीन है। मैंने खजूरों वाली जमीन में हिजरत करके जाना है। फजा अफी अव्वली वहली, तो शुरू शुरू में मेरे दिल में ये आया कि वो खजूरों वाली जमीन यमामा की जमीन है या हजर की जमीन है, ये दो शहर हैं। यमामा में भी खजूरें हैं और हजर में भी खजूरें हैं, तो मेरे दिल में आया कि शायद मुझे और मेरे सहाबा को यमामा की तरफ हिजरत का हुक्म दिया जाएगा या हजर की तरफ हिजरत का हुक्म दिया जाएगा। फ़ाइदा ही अब यसरब, लेकिन जब तफसील आई तो पता चला कि हमें मदीना की जानिब हिजरत का हुक्म दिया गया है। शुरू शुरू में हुजूर को भी नहीं पता था, इसलिए तो मैं कहा करता हूं कि पूरी कायनात में सबसे ज्यादा इल्म अल्लाह ने अपने हबीब को दिया, लेकिन फिर भी आलिमुल गैब अल्लाह खुद है, अल्लाह के सिवा कोई आलिमुल गैब नहीं है। बुखारी की रिवायत है। और एक रिवायत में आता है कि मुझे ये बतलाया गया कि मेरा दारुल हिजरत, जहां मैंने हिजरत करके जाना है, वो दो काले पत्थरों के दरमियान पथरीली जमीन है। तो मेरा जहन इसी तरफ गया कि या वो मदीना है या वो हजर है, लेकिन वो सरजमीन मदीना के लिए। आपने सहाबा को मदीना की जानिब हिजरत करने का हुक्म दिया। अभी हुजूर ने हिजरत नहीं की। सबसे पहले हिजरत करके मदीना पहुंचने वाले सहाबी का नाम हजरत मुसअब इब्न उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु था। मुसअब इब्न उमैर सबसे पहले मुहाजिर हैं जो हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे। बात समझ में आ रही? हिजरत में भी रुकावटें डाली गई, लोग छुप छुप के हिजरत कर रहे थे, वतन छोड़ के जा रहे थे, और ये मुश्रिकीन मक्का रुकावटें डाल रहे थे, हत्ता के अबू सलमा हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा, जो बाद में उम्मुल मोमिनीन बनी, उनके पहले शोहर अबू सलमा और वो और उनका बच्चा, ये मुख्तसर काफिला हिजरत करने लगा तो मुश्रिकीन आ गए। और अबू सलमा से कहा, तुम अकेले जाओ, हमारी लड़की को लेके नहीं जा सकते, बच्चे को लेके नहीं जा सकते।
अबू सलमा हिजरत करके चले गए, बच्चा मुश्रिकी ने मक्का छीन के ले गए, उम्मे सलमा को भी रोक लिया लेकिन बच्चा अलग, और मां अलग, मामता अलग, बाप अलग। उम्मे सलमा कहती हैं मैं रोजाना मक्के से बाहर निकलती और बैठकर रो 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 कर शाम को वापस चली जाती। किसी को मुझ पे तरस आया तो मेरा बच्चा मुझे वापस दिलाकर रवाना किया गया। हजरत उमर की बारी आई तो उन्होंने ऐलानिया हिजरत की। मैंने पहले अर्ज किया था कि वो काबे में आए और खड़े होकर ऐलान किया कि उमर हिजरत करके मदीने जा रहा है, जिसको आना है सामने आ जाए। नबूवत का 13वां साल है, हुजूर की उम्र शरीफ 53 साल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हाजिर हुए, आका हिजरत की इजाजत दे दीजिए। फरमाया नहीं, अभी तुम्हें इजाजत नहीं है, मेरा भी हिजरत का इरादा है, अभी ठहर जाओ। अबू बकर ठहर गए। हुजूर को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि सफरे हिजरत में आपके रफीके सफर अबू बकर होंगे, इसलिए इजाजत नहीं दी, ठहर जाओ। इन्हें यार गार बनना था इसलिए रोक लिया, अकेले हिजरत करते तो यार गार कैसे बनते। अल्लाह ने इन्हें यार गार भी बनाना था, इन्हें यार मजार भी बनाना था। उधर मुश्रिकीन ने मक्का ने देखा कि हमारा हर हरबा, हमारी हर चाल, हमारी हर कोशिश नाकाम हो रही है, इस्लाम फैलता जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर के कबाइल मुसलमान हो रहे हैं, दूसरे शहरों में भी अब इस्लाम पहुंच चुका है, क्या करें। एक मीटिंग कॉल की, इजलास बुलाया। यह इजलास दारुन नदवा में बुलाया गया, एक इमारत थी जो मशवरों के लिए तय थी, मुकर्रर थी, इसका नाम था दारुन नदवा। अबू जाल ने कहा इस इजलास में तिहामा का कोई शख्स नहीं आना चाहिए, वो नरम दिल के लोग हैं, आज हमने सख्त फैसले करने हैं। उसने मक्का के बड़े बड़े कबाइल के नुमाइंदों और मंदूबीन को जमा किया, आज हतमी फैसला करना है, हमें करना क्या है। आलम कुफर हमेशा प्लानिंग भी करता रहा, मंसूबे भी बनाता रहा, मीटिंगें भी करता रहा, इजलास भी करता रहा। कभी दारुन नदवा में मीटिंगें होती थी, कभी पेंटागॉन में मीटिंगें होती थी, कभी वाशिंगटन डीसी में मीटिंगें होती थी, कभी मास्को में मीटिंगें होती थी। इस्लाम को कैसे मिटाना है, इस्लाम का रास्ता कैसे रोकना है। पहले भी होती थी, माजी करीब में भी होती रही, आज भी हो रही है कि पाकिस्तान से, आलम इस्लाम से इस्लाम के आसार कैसे मिटाएं। उनका थैंक टैंक भी बैठे थे, आज भी बैठ रहे हैं थैंक टैंक्स, समझदार लोग। ऐसी मीटिंगों में मिस्टर शैतान भी आता है, लीड करता है। शैतान नजद के एक सरदार की शक्ल बनाकर दरवाजे पे खड़ा हो गया।
अबू जाल से कहता है मैं नजद का एक सरदार हूं, नजद का एक शेख हूं, मुझे आपकी मीटिंग का, मशवरे का, इजलास का पता चला है, मैं भी शरीक होना चाहता हूं, सुनूंगा, अगर कोई अच्छी राय मेरे दिल में आ गई तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, मैं तुम्हारा खैर खा हूं। नजद अरब का एक हिस्सा है, अरब के दो हिस्से हैं, एक तिहामा कहलाता है, एक नजद कहलाता है। नजद मशरकी हिस्सा है, रियाज वगैरह इसी इलाके में आते हैं, खतरनाक इलाका है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यमन और शाम के लिए दुआएं मांगी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनना व शामना, या अल्लाह हमारे यमन में बरकत दे, हमारे अरब के शाम में बरकत दे। किसी ने कहा हजरत नजद, फरमाया हिना अज़लाज़िल वल फितन, वहां जलजिले हैं, वहां फितने हैं, हिना तत्लु कर्न शैतान, तत्लु कर्न शैतान, वहां से तो शैतान का सींग निकलेगा, वहां से तो शैतान का सींग निकलेगा, दज्जाल वहीं से आना है, ये अस्फहान से आना है ना, अस्फहान ईरान का एक शहर है, वहां से दज्जाल ने आना है और वो उसी जानिब से आएगा, नजद की जानिब से। तो ये बुढ़ा मर्दूद मलऊन इंसानी शक्ल में, सरदारों की शक्ल में शरीक इजलास हो गया, मीटिंग शुरू हुई, क्या करें? एक ने रह दी, जंजीरों में कैद कर लो, जकड़ दो इस शख्स को जंजीरों में, हुज़ूर अली सलाम को बेड़ियां पहना दो, हथकड़ियां लगा दो और एक मकान में, जेल में बंद कर दो, किसी की अप्रोच ना हो, किसी की रसाई ना हो, कैद तन्हाई हो। यह हर बाज माओ जरा, आज अगर हमने ये देखा कि अबू गुरैब की जेल में और गुआंतो नामो बे की जेल में अगर पिंजरों में मुसलमानों को रखा गया और अमेरिका में आफिया सिद्दीकी को अगर पिंजरों में जकड़ के रखा गया, इस गुआता नामो बे की बदनाम जमाना जेल में तो जंजीरों में जकड़कर परिंदों की तरह के पिंजरों में अफगानिस्तान वालों को, अरब लोग के नौजवानों को रखा गया था। तो ये तजावीज पहले से चल रही है, हुजूर के बारे में भी एक तजवीज ये आई थी, गिरफ्तार कर लो, जंजीर पहनाकर, बेड़ियां लगाकर, हथकड़ियां चढ़ाकर कैद तन्हाई में रखो, डेथ सेल में रखो, चक्कियों में बंद कर दो। ये शेख नजद जो जो शैतान शेख नजद की शक्ल में बैठता, उसने कहा ये ठीक नहीं है, इसलिए कि तुम्हें पता है उसके जो साथी हैं वो बड़े जानिसार हैं, वो बड़े वफादार हैं, वो बड़े होबदार हैं, वो अपनी जान से ज्यादा उस नबी से मोहब्बत करते हैं, वो हमला आवर होंगे, जेल तोड़ देंगे और रिहा करा के ले जाएंगे, ये तजवीद मुनासिब नहीं है। एक दूसरा काफिर बोला, उसने कहा मेरा मशवरा ये, इसको जला वतन कर दो, मुल्क से निकाल दो, ये मसला ही खत्म हो जाएगा, हमारे मुल्क से, हमारे शहर से फारिग कर दो इसको। ये शैतान कहने लगा, मिस्टर शैतान जो शेख नजद बना हुआ था, मलऊन रजीम,
مردود. اس نے کہا نہیں یہ تجویز بھی غلط ہے. انتم تعلمون عذب لسانه, تم اس کے زبان کے مٹھاس کو جانتے ہو, اس کی گفتگو کی تاثیر کو جانتے ہو, تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر کو جانتے ہو. وہ جب بولتا ہے تو لوگ اس پر فریفتہ ہوتے ہیں, تم جلاوطن کر دو گے, وہ جہاں جائے گا لوگ اس کے ساتھ مل جائیں گے, اس کا ایک اس کی ایک جماعت بن جائے گی اور وہ پھر تم پر حملہ کرے گا. لہذا یہ تجویز بھی ٹھیک نہیں. اچھا تو پھر کیا کریں؟ اب ابو جہل بولا, اس نے کہا میں ایک ایسی تجویز دیتا ہوں جو تمہیں پسند آئی. وہ شیطان تھا, یہ شیطان کا چیلا تھا. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم, شیطان اپنے یاروں کے دلوں میں بھی باتیں ڈالا کرتے ہیں, جیسے اللہ اپنے پیاروں کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں ایسے شیطان اپنے یاروں کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں. ابو جہل نے کہا میری تجویز یہ ہے, قریش کے جتنے قبیلے ہیں سب سے ایک ایک نوجوان لے لو اور مل کر رات کی تاریکی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دو اور یکبارگی حملہ کر کے شہید کر دو, قتل کر دو. عبد المطلب کا قبیلہ پورے عرب سے جنگ نہیں کر سکے گا, وہ دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت دے دیں گے, ہم خون بہا دے دیں گے, ہم پیسے دے دیں گے, مقصد حاصل ہو جائے گا. یہ تیسری تجویز تھی. شیطان کہے یہ ٹھیک ہے, واہ 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 واہ, کیا کہنے, ایسی تجویز تجھے ہی جستی تھی, اصل تجویز تو ہے ہی یہی تجویز. شیطان نے پرزور تائید کی, طے ہو گیا آج رات حملہ کریں گے, قتل کر دیں گے, شہید کر دیں گے. جبریل آ گئے حضور کو اطلاع دے دی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. میرے حبیب یہ آپ کے بارے میں مکر کر رہے ہیں, میٹنگیں کر رہے ہیں, اجلاس کر رہے ہیں, جیسے آج اقوام متحدہ سے قراردادیں پاس ہوتی, سلامتی کونسل قانون بناتی ہے. اسلام کو مٹاؤ, ایسے تو نہیں مٹے گا, رفتہ رفتہ ان مسلمانوں سے اسلامی احکام چھین لو. ہر حکومت آتی ہے یہ ان کے نوکر اور غلام بن کے آتے ہیں اور وہ ان کو ایجنڈا دیتے ہیں, یہ قانون بناتے ہیں اسلام کے خلاف. اب آج کل نیا قانون آ رہا ہے, پچھلے دور میں پچھلی حکومت نے گھریلو تشدد بل کا قانون پاس کر کے یہاں مغرب کا ماحول اور خاندانی نظام ختم کرنے کی کوشش کی. جب اس پر عمل درآمد ہوا تو کوہرام مچ جائے گا. آج مغرب کے دباؤ پر, فیٹف کے دباؤ پر, آئی ایم ایف کے کہنے پر قانون لایا جا رہا ہے کہ یہ جو خواجہ سرا ہے جن کو ہم خنسا کہتے ہیں, ہجڑے کہتے ہیں, ان کو ہم جنس پرستی کی اجازت دی جاتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک, یہ ہم جنس پرستی کر سکتے ہیں. بے حیائی اور بدکاری کو رائج کرنے کے لیے اب یہ قانون آ رہا ہے. عمران خان کے دور میں سینٹ تو منظور کر چکی ہے, اب قومی اسمبلی,
आधा काम उन्होंने किया आधा ये कर रहे हैं। इस हमाम में सब नंगे हैं, पीपी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, दीन की दुश्मनी में सब यकजा है, हमें इसमें कोई शक नहीं। एक दूसरे से आगे बढ़ते हैं, अमेरिका की गुलामी में सारे गुलाम हैं, चाहे नारा आजादी का लगाते हैं सारे गुलाम हैं। हमें बुद्धू कोई ना बनाए, हम सब जानते हैं, हम तुम्हारी नब्जों से वाकिफ हैं, हम तुम्हारी रगों से वाकिफ हैं। अल्लाह ने कहा मेरे नबी इनका ये प्रोग्राम है, आपको हिजरत की इजाजत है। मेरे आका दिन के वक्त आपको ये इत्तला मिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली अल मुर्तदा रजी अल्लाह तआला अन्हो को बुलाया और फरमाया मैंने आज रात हिजरत करनी है, मेरे पास मक्का के लोगों की अमानते हैं, मैं वो अमानते तुम्हारे सपुर्द कर रहा हूं। तुमने रात मेरे बिस्तर पे सोना है, तुमने रात मेरी चादर पहन के सोना है, बाद रिवायात में आता है तुमने रात मेरे कपड़े पहन के सोना है, आराम करना है, और इंशाअल्लाह ये आप तक पहुंच नहीं सकेंगे मुशरिकीन, और मैं चला जाऊंगा। शाम हुई तो सारे इकट्ठे होकर हुजूर के घर के इर्द गिर्द आ गए, मुहासरा कर लिया। अल्लाह के नबी अली सलाम ने हजरत अली को अपने बिस्तर पर सुलाया, आपकी सब्ज रंग की चादर थी, फरमाए ये चादर अपने ऊपर डाल लो। और बाद सीरत निगार लिखते हैं हुजूर अली सलाम के कपड़े भी उन्होंने पहन लिए और आराम से लेट गए, और अल्लाह के नबी अली सलातु व सलाम घर से बाहर निकले, मुट्ठी मट्टी की उठाई बाहर निकले तो अबू जहल मजाक उड़ा रहा था, वो अपने साथियों से कह रहा था कि मोहम्मद कहता है मुझ पे ईमान ले आओ तो तुम्हें अरब व अजम की बादशाहत मिलेगी, और मरने के बाद तुम्हें यमन के बागात की तरह बागात मिलेंगे, और अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाओगे तो आग में जलोगे। मेरे आका के कान में ये आवाज पड़ी, आप बाहर निकल रहे थे, मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ तू उन्हीं में से होगा जो आग में जलेंगे, और मट्टी मुट्ठी के फेंकी। जितने लोग खड़े थे सबके सरों पर और आंखों में मट्टी गई, उन्होंने आंखें मलना वो मलने लगे, और अल्लाह के नबी ने कुरान की तिलावत की और कुरान पढ़ते हुए हुजूर चले गए, कोई एक भी ना देख सके। आप पढ़ रहे थे जब निकल रहे थे यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम पढ़ते गए, वजअलना मिन बैनी अयदीहिम सद्दा वमिन खल्फिहिम सद्दा फअग्शैनाहुम फहुम ला युबसिरून। यहां तक आपने पढ़ा, अंधे हो गए। इन आयात का मिस्ताक और मफहूम भी यही है, वजअलना मिन बैनी अयदीहिम सद्दा हमने इनके आगे रुकावट कर दी पीछे भी रुकावट कर दी, फअग्शैनाहुम हमने इनको अंधा कर दिया, फहुम ला युबसिरून ये देख नहीं सकेंगे, न देख सके। हुजूर चले गए और ये सारी रात खड़े रहे। रात को कोई आया, उसने कहा तुम क्यों खड़े हो, जिसको तुम ढूंढ रहे थे वो तो तुम्हारे सरों पे मट्टी डाल के चला गया, जरा अपने सर तो संभालो। सर संभाला तो देखा सबके सरों में मट्टी है, मट्टी क्यों डाली, इशारा किया कि तुम्हारे मुंह में भी खाक तुम्हारे सर में भी खाक, तुम जलील हो जाओगे, मट्टी जिल्लत की निशानी है, तुम जलील हो जाओगे रुसवा हो जाओगे और अल्लाह के नबी कामयाब हो जाएंगे, हुजूर कामयाब हो जाएंगे।
इसलिए अल्लाह ने मट्टी फेंकवाई। अच्छा वो निकल चुके, और भाई अंदर जाके देखो तो सही, दीवारें छोटी थी हुजूर पाक के घर की, दीवारें छोटी थी, झांक के देखा तो हुजूर की चादर भी मौजूद है, आदमी भी लेटा हुआ है, कपड़े भी हुजूर के हैं। कहने लगे नहीं नहीं गलत रिपोर्ट है, वो तो सोए हुए हैं, चलो अभी जाकर काम तमाम कर दें। बाद सीरत निगार लिखते हैं अंदर घुसने लगे तो एक औरत की आवाज घर से बुलंद हुई तो कहने लगे ओ मियां ठहर जाओ, दुनिया में बदनामी होगी कि अपनी कजन के घर में कूद गए और उसकी हुर्मत को पामाल किया, चार दीवारी के तकद्दस को पामाल किया, खवातीन के तकद्दस पामाल हो गया है, लिहाजा हम अंदर नहीं जाते, सुबह निकलेंगे हम फिर कत्ल करेंगे। सुबह हुई, जब सुबह हुई तो देखा हजरत अली वुजू कर रहे हैं तो गालियां बकने लगे सईदिना अली को, कहां है मोहम्मद भाई, वो तो जा चुके हैं, रात से जा चुके हैं, तो गालियां बकते हुए खायब व खासिर होकर पीछे आ गए। इसी को अल्लाह ने फरमाया वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, ये मकर कर रहे हैं, अल्लाह अपनी तदबीर कर रहे हैं, इनके मकर हार जाएंगे, अल्लाह की तदबीर जीत जाएगी, और जीत गई। हुजूर सीधा अबू बकर के घर आए, हुजूर का एतमाद अबू बकर पर, अबू बकर अल्लाह का भी इंतखाब, अल्लाह के नबी का भी इंतखाब। अबू बकर के घर आए, अम्मी आयशा कहती हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं था, बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह या शाम मेरे बाबा के घर तशरीफ ना लाते हो, हर रोज मेरे अब्बे के घर हुजूर का आना जाना था। यारी जो थी, लेकिन अबू बकर के घर आज ऐसे वक्त आए कि कभी नहीं आते। हुजूर आ रहे थे तो मेरे अब्बा को बताया गया, वो देखो हुजूर चादर लपेट के आ रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर पहने आ रहे हैं। मेरे अब्बा उठे और हुजूर का इस्तकबाल किया, घर लाए, बिठाया, फरमाया अबू बकर अखरिज मिन इंदक, अकेले हो जाओ, सबको बाहर भेज दो। अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह कोई ऐसी बात नहीं, ये आपके घर के लोग हैं। एक रिवायत में आता है फरमाया ये मेरी दो बेटियां हैं, और एक रिवायत में आया ये भी आपके घर वाले हैं, आप बिल्ला झिझक बात करें। अबू बकर का घराना भी मुखलिस, अबू बकर भी मुखलिस, इसलिए अबू बकर ने अपनी बेटियों पर एतमाद किया और हुजूर ने अबू बकर पे भी एतमाद किया, अबू बकर की बेटियों पे भी एतमाद, किसी को नहीं कहा। कहने लगे अबू बकर अल्लाह ने हिजरत की का हुक्म दिया है, कहा सोहबा या रसूल अल्लाह मेरी संगत होगी, मेरी रिफाकत होगी, मैं साथ जाऊंगा। फरमाया बिल्कुल अबू बकर, अल्लाह ने तुम्हारी सोहबत के लिए मुझे हुक्म दिया, तुम्हारा इंतखाब हो चुका, तुम कबूल हो चुके, मैं हिजरत करूंगा, तुम मेरे रफीक हिजरत बनोगे, मैं गार में जाऊंगा, तुम मेरे रफीक गार बनोगे, तुम मेरे पहले यार थे अब यारे गार बनोगे। अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह ये देखिए मुझे पहले से अंदाजा था, ये दो ऊंटनियां पहले से तैयार कर चुका हूं सफर के लिए, और मैं इनको की करके पत्ते खिला खिला कर मोटा कर चुका हूं, ये मोटी ताजी ऊंटनियां हैं सफर के लिए, बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं। अबू बकर ने सवारियां भी तैयार की हुई थी, जल्दी से हजरत अस्मा बिनती अबी बकर उठी, उन्होंने खाना तैयार किया, खाना बांधा,
पानी का एक मशकीजा था, वो पानी से भरा। बांधने के लिए कोई चीज नहीं थी, रस्सी नहीं थी, तो अपना कपड़ा उसके दो हिस्से किए, एक हिस्से से बांधा, एक अपने लिए इस्तेमाल किया। इसलिए अस्मा बिनते अबी बकर को जातुन निताकैन कहते हैं। खाना बनाकर हुजूर के साथ रवाना किया। हजरत अबी बकर सिद्दीक ने एक दलील और खिर्रीत किराए पे लिया, अपने ही कबीले का, काफिर था, बाद में मुसलमान हुआ, रास्ता बताने का माहिर, गुमनाम रास्तों से हिजरत करनी थी, उसको किराए पे लिया और उसको कहा तीन दिन के बाद तुमने गारे सौर पे आ जाना। अबू बकर सिद्दीक के कमरे की खिड़की से अबू बकर निकले, हुजूर अली सलाम निकले। हुजूर अली सलाम की एक रिवायत यह भी है, सबसे पहले मैं जब निकला तो मुझे अबू जाल मिला, और अबू जाल मिला, अल्लाह ने उसको अंधा कर दिया, वो मुझे देख नहीं सका, अंधा हो गया। हजरत अबू बकर हुजूर को लेके जा रही है, हुक्म हुआ कि गारे सौर पे जाना है। जबले सौर मक्का मुकरमा से बाहर एक पहाड़ है, तकरीबन 5 किलोमीटर की मसाफत पर है, 1.5-2 किलोमीटर की चढ़ाई है। अबू बकर जब हुजूर को लेके चल रहे थे, कभी दाएं हो जाते, कभी बाएं हो जाते, कभी आगे कभी पीछे। हुजूर ने पूछा अबू बकर क्या है, कभी आगे चलते हो, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। फरमाया या रसूल अल्लाह, जब ये ख्याल आता है कि दुश्मन आगे से हमला ना कर दे, रसद ना हो जाए, कोई ताक में ना बैठा हो, तो आगे चलने लग जाता हूं। फिर दिल में आता है कोई पीछे से ताकुब ना कर ले, पीछे हो जाता हूं। फिर ख्याल आता है कोई दाएं से हमला ना कर ले, आपकी हिफाजत के लिए दाएं हो जाता हूं। फिर ख्याल आता है कोई बाएं से हमला ना कर दे, तो आपकी हिफाजत के लिए बाएं हो जाता हूं। या रसूल अल्लाह, आपके फिक्र में मैं गुमसुम हूं, हैरान हूं, सरगर्दा हूं, फिक्रमंद हूं, परेशान हूं। और जब पहाड़ के संगलाख हुजूर को चुभने लगे तो कंधे पे उठा लिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पहाड़ की चढ़ाई चढ़े, कंधे पे उठाकर पहाड़ की चढ़ाई चढ़े। बिस्तर पे अबू बकर को सुलाया, यूं कहो कि अल्लाह ने लोगों की अमानतें, अबू बकर नहीं अली, अल्लाह ने लोगों की अमानतें हजरत अली के सपुर्द करवाई और अपनी अमानत अबू बकर सिद्दीक के सपुर्द फरमाई। अबू बकर के पास अल्लाह की अमानत है, हुजूर अली सलातु वस्सलाम है, वो भी मुताहर और पाकीजा, जिस पर हुजूर ने एतमाद किया, और जिनके पास लोगों की अमानते हैं, और वो भी बड़ी आला शख्सियत जिस पे अल्लाह ने एतमाद किया और अल्लाह ने अपनी अमानत उनके सपुर्द की। और वो कौन है? अबू बकर सिद्दीक है। रात का वक्त था, गार के दहाने पे पहुंचे, फरमाया आप ठहरिए, पहले मैं जाऊंगा, खुदा ना खास्ता गार में कोई ऐसी वैसी चीज ना हो। अबू बकर अंदर चले गए, एक कपड़ा था, गार को उस कपड़े से साफ किया, फिर सुराख देखे, कपड़ा फाड़ कर सुराख बंद करते चले गए। सारे सुराख बंद हो गए, कपड़ा खत्म हो गया, एक सुराख बाकी है। बाद रिवायात में आता है दो सुराख थे, बाद में आता है एक सुराख था। अबू बकर ने कहा आका आप तशरीफ लाइए। हुजूर अंदर तशरीफ लाए, आपको हजरत अबू बकर ने अपनी गोद में लिटा दिया और जो सुराख खाली थे उन पे अपनी पाऊं की एड़ी रख ली, और दो थे तो दोनों एड़ियां रख ली, और एड़ियां रखकर बैठ गए, उधर एड़ी रखी, उधर सांप ने डस लिया, सांप ने काट लिया।
अबू बकर ने एड़ी नहीं हटाई, हुजूर को नहीं जगाया, लेकिन सांप का डसना था। कुछ छोटी बात है सांप का डसना? दर्द की शिद्दत से आंखों से आंसू निकले, हुजूर के चेहरे पे गिरे। आपने पूछा अबू बकर क्या है? आंख खोली, आका सांप ने डस दिया है। हुजूर ने यूं लुआब लगाया एड़ी पर। हुजूर के लुआब की क्या तासीर है? जहर का असर खत्म। सिर्फ अबू बकर से नहीं, बाज हजरात ने लिखा कि अबू बकर की नस्लों को भी फिर सांप काटता था तो उन्हें कुछ नहीं होता था। अल्लाह के नबी की लुआब का असर अल्लाह ने नस्लों में भी मुंतकिल कर दिया। इसी से पता चल जाता था कि ये सिद्दीकी है, ये अबू बकर के खानदान का है। रात गुजर गई, सुबह हुजूर उठे, अबू बकर वो तेरा कपड़ा कहां है? आका वो कपड़ा तो सारा फाड़ फाड़ कर मैंने ये सुराख बंद किए हैं। हुजूर के हाथ उठ गए, अल्लाह के हुजूर, हुजूर अली सलाम के हाथ उठ गए। फरमाया अल्लाहुम्मा ए इलाह अलआलमीन, अबू बकर को जन्नत में, जन्नत के दर्जों में मेरा दर्जा आता करना, मेरे साथ रखना। अबू बकर की खिदमत की बरकत। फरमाया जन्नत में जहां मैं हूंगा वहीं अबू बकर होगा, मेरे साथ रखना। जैसे आज ये गार में मेरे साथ है, ऐसे जन्नत में भी मेरे साथ रखना। अल्लाह ने अपने हबीब की दुआ ऐसे कबूल की, सुभान अल्लाह, के गार में भी सिद्दीक हुजूर के साथ रहे, गार में भी साथ रहे, फिर जन्नत में, मदीने की जन्नत में, मां बेन बेती व मिम्बरी रोजतु मिर रियादिल जन्ना। ये हजरत आयशा का हुजरा, ये भी जन्नत का बाग, रियादुल जन्ना का हिस्सा, उसमें भी अबू बकर को रफीक बना दिया। और कल जन्नत के मकाम महमूद में भी अल्लाह अबू बकर को हुजूर की रिफाकत अता फरमा देंगे। इधर मुशरिकीन मक्का बड़े गुस्से में थे, ओए होए, शिकार हाथ से निकल गया, उन्होंने ढूंढना शुरू किया, ऐलानात करवा दिए। उस जमाने में जो सफर होते थे तो वो सफर पैदल के थे या ऊंटों के थे, चश्मों से गुजर गुजर के जाना होता था। आखिर 12 दिन का सफर है, उस वक्त मक्के से मदीना मुनवरा 12 दिन का सफर था। ऊंटों ने पानी भी पीना है तो पानी पिलाने के लिए चश्मों पे आना पड़ेगा, खुद पानी पीने के लिए चश्मों पे आना पड़ेगा। सब चश्मों पे इत्तला भिजवा दी गई, अबू बकर मिले, अबू बकर के यार मिले, गिरफ्तार करो, इतना इनाम मिलेगा। ये हमारे मुजरिम हैं, हमारी सलामती के लिए खतरा है, इनको गिरफ्तार करो, इतने लाख डॉलर मिलेंगे। ये ऐलान आज भी हुए थे, हम सुनते रहे, मुल्ला उमर को गिरफ्तार करो, इतना इनाम मिलेगा। आज का काफिर कल के काफिर के नक्शे कदम पर, और आज के दीवाने मस्ताने रसूलुल्लाह और अबू बकर सिद्दीक के नक्शे कदम पर, सीरत अपने आप को दोहरा रही है। कल भी कामयाबी हक को मिली थी, आज भी कामयाबी हक को मिली है। कल भी इस्लाम को दबाया नहीं जा सका, आज भी इस्लाम को दबाया नहीं जा सकता। कल भी इस्लाम दबाने के बावजूद उभरा था, फैला था, फला था, चमका था, दुनिया में पहुंचा था। आज भी इस्लाम फल रहा है, फैल रहा है, फूल रहा है, और दबाने के बावजूद दुनिया में चमक रहा है, दमक रहा है।
हुजूर की सीरत को आज के दौर पे मुंतबिक करो ना, एक जैसे हालात। अबू बकर सिद्दीक अंदर गए, हुजूर को आराम करवाया, अल्लाह ने हुक्म दिया एक दरख्त उगाया, बैल उगाई, मकड़ी को हुक्म दिया उसने जाला तन लिया। यूं लगता था कि कई साल पुराना जाला है। हुजूर के चेहरे की बिल्कुल सीध में, बिल्कुल सीध में दो कबूतरियां आई, कबूतरियां, उन्होंने घोंसला बना लिया, अंडे दे दिए। हुजूर का चेहरा छुप गया। सुबह हुई, मुश्रिकीन मक्का हर तरफ ढूंढ रहे थे। एक बंदा किराए पे लिया था जो पांव के निशानात का माहिर था, पेरोवाढ़ी था, यहां निकले। अबू जहल आया, बातें कर रहे थे, हजरत अबू बकर ने देख लिया, या रसूल अल्लाह आ गए। अबू बकर तड़पने लगे, हजरत मुझे आपकी फिक्र है। फरमाया अबू बकर मा जन्नु कब इसने ने अल्लाह सालिसो हो, मा तेरा उन दो के बारे में क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह है। ये मत समझ अबू बकर कि तू और मैं अकेले हैं, दो हैं, हम दो नहीं, तीसरा अल्लाह हमारे साथ, अल्लाह हमारे साथ है, घबराते क्यों। और साथ ये जुमला फरमाया ला तहजन इन अल्लाह माना, अबू बकर हुज़्न का माना मेरी फिक्र ना कर। कुरान का जुमला बताता है अबू बकर को अपनी फिक्र नहीं थी, अबू बकर को हुजूर की फिक्र थी। हुज़्न दूसरे की फिक्र को कहते, खौफ अपना डर होता है, हुज़्न दूसरे का डर और फिक्र होती है। अबू बकर के इखलास के किससे अल्लाह ने अब छेड़ दिए कुरान में। हुजूर ने देखा कि कबूतरी ने बिल्कुल सामने अंडा दिया हुआ है, हुजूर ने दुआ दी, अल्लाह इस कबूतरी में बरकत दे, इसकी नस्ल में बरकत दे। आय हाय, जो रसूलुल्लाह के दिफा में आ गया उसे हुजूर की दुआ मिल गई। इंसान तो इंसान है, कबूतरियों को दुआ मिली और अल्लाह ने बरकत दी इन कबूतरियों की नस्ल में। पता है कैसे बरकत हुई? अल्लाह ने इन कबूतरियों को हरम में भेज दिया, अल्लाह में भेज दिया, और नस्ल ऐसी बड़ी। आज भी हज पे जाते हो, उम्रे पे जाते हो, पूरे हरम के इर्द गिर्द कबूतर ही कबूतर नजर आते हैं, कबूतर ही ये मौजूदा कबूतर सीरत निगार लिखते हैं। उन कबूतरों की नस्ल में से है जो कबूतर रसूलुल्लाह और अबू बकर के दिफा में घोंसला बना के बैठ गए थे, ये उनकी नस्ल में से है। बाबा तुम्हारी नस्लों को सुधारेगा अल्लाह अगर तुम हुजूर के दिफा में इस्तेमाल होते हो। अल्लाह के नबी की नबूवत का, खत्म नबूवत का, इस्मत का दिफा करो, हुजूर की हदीस का, हुजूर के कुरान का, अल्लाह के नबी का, अल्लाह के नबी के दीन का दिफा करो, तो कबूतरों की नस्लों में बरकत हो गई, उन्हें काबा में ठिकाना मिल गया, हरम में ठिकाना मिल गया, तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें बरकतें नसीब नहीं होंगी। कितनी बड़ी बात है। हजरत आ गए, फरमाए घबराओ नहीं। आए दाएं बाएं देखा, उमैया बिन खल्फ कहने लगा, वो भी ढूंढने वालों में शामिल था, अबू जहल से कहने लगे ये तो मोहम्मद की विलादत से पहले का घोंसला और ये मकड़ी का जाला लगता है, यहां होते तो ये घोंसला होता, यहां होते तो ये कोई मकड़ी का जाला होता, ये कोई दरख्त होता, चलो वापस, यहां नहीं। और बाद रिवायात में आता है
ابو جہل آیا دیکھا اس نے کہا یہاں کوئی نہیں وہیں بیٹھ کے موتنے لگا وہیں بیٹھ کے غار کی طرف رخ کر کے موتنے لگا پیشاب کرنے لگ گیا پھر اٹھ کر چلے گئے پیرو واڈی آیا وہ پیرا اٹھا کے چلا چلتا آیا چلتا آیا چلتا آیا چلتا آیا جب غار سور پہ پہنچا تو کہتا ہے یہاں سے پیرا آگے نہیں جا رہا نہیں پتا چل رہا یہاں سے دائیں گئے یہاں سے بائیں گئے یہاں سے آگے گئے یہاں سے پیچھے گئے کوئی پتا نہیں چل رہا اب آگے تم ڈھونڈو مجھے نہیں پتا چل رہا اللہ نے اپنے نبی کی یوں حفاظت کی الا تنصروه فقد نصره اللہ پوری امت کو ڈانٹ ہے تم نے اگر میرے نبی کی مدد نہیں کی تو کیا ہوا اللہ نے مدد کی اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين کافروں نے ان کو نکالا تو وہ نکلے ثاني اثنين ابو بکر اور وہ دو تھے اور یہ ایک دوسرے کے دوسرے تھے اذ هما في الغار دونوں غار میں تھے اذ يقول لصاحبه یہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن میری فکر نہ کر صحابہ سارے برحق ہے کہو صحابہ سارے حق کہو نہ صحابہ سارے سارے اور اونچی آواز سے صحابہ سارے حق لیکن ابو بکر کسی کی صحابیت کسی کا صحابی ہونا قرآن نے ذکر نہیں کیا ہیں سارے حق لیکن ابو بکر وہ صحابی ہے جس کو اللہ کے قرآن نے بھی صحابی کہا جس کی صحابیت پر قرآن کی نص ہے قرآن کی تصریح ہے جو ابو بکر کا منکر ہے ابو بکر کی صحابیت کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے اذ یقول لصاحبه یہ صاحبی ہی کافر بھی کہتا ہے ابو بکر ہے مومن بھی کہتا ہے ابو بکر ہے اپنا بھی کہتا ہے ابو بکر ہے پرایا بھی کہتا ہے ابو بکر ہے بچہ بچہ جانتا ہے حضور کا ساتھی ابو بکر ہے اور ہر ایک جانتا ہے کہ مصطفیٰ کا ہم سفر کون اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معی معی فرمایا نہیں ان اللہ مانا ابو بکر اللہ تیرے ساتھ بھی ہے اللہ میرے ساتھ بھی ہے ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے باقی انشاءاللہ آئندہ وما علینا الا البلاغ المبین